लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में आप सबका स्वागत है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कल जो है ड्यू टू सम टेक्निकल इशू क्लास 15 मिनट से ज्यादा कॉन्टिन्यू नहीं हो पाई थी। कल ही पार्ट टू को करना था हमें, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू जो है वॉइस का प्रॉब्लम था जिसके कारण मैं आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। तो क्या मेरी आवाज़ आप सबको मिल पा रही है? क्या मैं ऑडिबल हूँ आज? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। यस, रितेश द्विवेदी, मधु गोवर्धन, हरजीत सिंह, शास्त्री, एवरीथिंग ऑल राइट? शुड वी स्टार्ट द सेशन? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेशन फॉर इंडियन आर्ट एंड कल्चर। यस यस, रितेश द्विवेदी, नो बफरिंग प्रॉब्लम, एवरीथिंग फाइन? ओके, सो लेट्स क्रैक यूपीएससी में वेलकम बैक। एक बार फिर आप सबका स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दिस इज मी, यू कैन रीड अबाउट मी, आई एम रेगांग विभू, आई एम जर्नलिस्ट बाई प्रोफेशन एंड आई टीच हिस्ट्री, पॉलिटी एंड करंट अफेयर टू यू पीपल। एंड बिलो इज रिटन माई यू नो ईमेल आईडी, एंड बिलो इज रिटन माई मोबाइल नंबर, एंड बिलो इज गिवन माई टेलीग्राम लिंक, माई डियर एस्पिरेंट। सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी सब्सक्रिप्शन इशू, पीडीएफ जो है, ये जो टेलीग्राम लिंक लिखा हुआ है नीचे, इस पे पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। ये हमारा मोबाइल नंबर है और ये ईमेल आईडी है। और अभी ऑन द प्लेट पेड प्लेटफॉर्म टूडे इटसेल्फ फ्रॉम 4 PM स्पेशल क्लास इज गोइंग टू टेक प्लेस फॉर दिस इंडियन आर्ट एंड कल्चर। आप सब जानते हैं कि आर्ट एंड कल्चर को मैं पेड के प्लेटफॉर्म पे बहुत होलिस्टिक वे में, बहुत एनालाइज्ड वे में, पिछले 42 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन के साथ, प्रीलिम्स और मेंस के होलिस्टिक एनालिसिस के साथ, मेरा एक आर्ट एंड कल्चर का एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेशन आने जा रहा है माय डियर एस्पिरेंट फ्रॉम दिस 30th ऑफ दिस मंथ। सो यू ऑल आर वेलकम फॉर द स्पेशल क्लास। आज जो है स्पेशल क्लास होगी माय डियर एस्पिरेंट। So this special class will be from 4 PM today on in this Indian art and culture. So how to read art and culture with fun with past 42 years previous year question paper. अभी जो morning में हम 6 से 7 मिलते हैं उसमें समय बहुत कम होता है, तो उसमें हम बहुत extremely important topics को ही कर पाते हैं और चीज़ों को बहुत holistically way में और detail way में हम नहीं करा पाते हैं, क्योंकि समय की बाध्यता होती है, बहुत सारी चीज़ों को कवर अप करना होता है, नंबर ऑफ क्लासेस बहुत कम होते हैं, पूरा एक साल का हॉलिस्टिक कंपाइलेशन करना है। तो जो हम पेड प्लेटफॉर्म है हमारा, जिसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, वहाँ पर जो है यू कैन अवेल द बेनिफिट बाय टेकिंग एडमिशन इन द प्ले पेड प्लेटफॉर्म माय डियर एस्पिरेंट। तो आप सब जानते हैं चीज़ें बहुत सिंपल है, करना क्या होता है माय डियर एस्पिरेंट। सो यू हैव टू गो ऑन द unacademy.com या फिर आपको गूगल पे जाना है और अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करना है। तो व्हेन यू विल डाउनलोड दिस अनअकैडमी लर्निंग ऐप, सो व्हाट यू विल गेट माय डियर एस्पिरेंट डेली लाइव क्लासेस, यू विल गेट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यू विल गेट लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, एंड यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस माय डियर एस्पिरेंट। और इन सबको एग्जीक्यूट करने के लिए इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हर कदम पे, हर मोड़ पे, हर आयाम पे आपके हर डाउट को क्लियर करने के लिए तत्पर रहते हैं, रेडी रहते हैं। अनअकैडमी प्रोवाइड्स यू, द क्लास विल बी इन इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, सो दैट नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन बोथ द कैंडिडेट शुड बी बेनिफिटेड। तो आप सब जानते हैं अनअकैडमी दो तरह से आपको कंटेंट को प्रोवाइड करती है, एक पेड प्लेटफॉर्म पे जिसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, और दूसरा यूट्यूब पे जो हम अपकमिंग 45-50 मिनट्स में करेंगे। सो बीट मृणाल पटेल, बीट डॉक्टर रोमन सैनी, बीट सुदर्शन गुर्जर, बीट प्रकाश कुमार, बीट डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा, बीट आयुष सांघी, माय डियर एस्पिरेंट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, इंडियाज टॉप एक्सपर्ट गाइडेड बाय डॉक्टर रोमन सैनी विल कीप ऑन मेंटोरिंग यू, विल कीप ऑन ग्रूमिंग यू, विल कीप ऑन नरिशिंग यू। और इस सब को करने के लिए आप सब जानते हैं जो हमारा पेड प्लेटफॉर्म है जिसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, वहां पर माय डियर एस्पिरेंट, सो दिस इज माय कोड, so by using this code my dear aspirant mv10, m for mrigank and v for vibhu, to ye jo mv10 hai
दिस इज द कोड, इस कोड का इस्तेमाल करके यू कैन टेक एडमिशन। तो आप सब जानते हैं कि फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस एंड टू इंटरव्यू दिस इंटायर प्रोसेस इज ऑफ मिनिमम टू ईयर। तो ये दो साल का जो प्रोसेस है फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, सो द 24 मंथ इट ऑलमोस्ट इट टेक्स, दो साल तो लग ही जाता है इस पूरी जर्नी में। तो जो दो साल का कोर्स है, अभी जो कोरोना का क्राइसिस है, इसमें 48,000 इज द फी। हाउएवर वी आर प्रोवाइडिंग यू एट द 10% डिस्काउंट। अगर आप ये MB10 कोड का इस्तेमाल करोगे तो 43,200 में यू कैन एक्सेस दिस कोर्स। वन ईयर कोर्स अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, इफ यू हैव पॉसिटी ऑफ टाइम, तो हेयर ऑल्सो यू कैन स्टार्ट दिस कोर्स बाय गेटिंग अ डिस्काउंट माय डियर एस्पिरेंट बाय यूजिंग माय कोड MB10। सो देयर ऑल्सो द अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10% एंड यू विल गेट द अमाउंट 36,000 टू पे माय डियर एस्पिरेंट। तो ये जो है, सो चाहे वो 36,000 का हो वन ईयर का या 43,200 का हो, यहाँ एक EMI ऑप्शन उपलब्ध है माय डियर एस्पिरेंट। अगर आप मंथली करना चाहते हैं 1800 रुपीज एंड 3000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से यू कैन पे ऑल्सो। द 6 month कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल माई डियर एस्पिरेंट एंड 3 month एंड 1 month, सो यू कैन ऑल्सो अवेल सच काइंड ऑफ कोर्स माई डियर एस्पिरेंट। सो दीज कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर 6 month, 3 month एंड 1 month माई डियर एस्पिरेंट। सो दीज कोर्सेज यू कैन ऑल्सो एक्सेस माई डियर एस्पिरेंट बाई यूजिंग द कोड MB10। तो MB10 कोड का इस्तेमाल करके आप इस कोड को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है 5 एक्सक्लूसिव बैच अन अकेडमी हैज स्टार्टेड, देयर आल्सो यू कैन टेक एडमिशन। माय मिशन UPSC CSE 2022 के नाम से लक्ष्य जो हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए है, और एक्सपेडिशन के नाम से, इसके अलावा हमारा टेस्ट सीरीज भी जो है वो मैराथन चैंपियनशिप के नाम से कंडक्ट होता है, सो यू कैन ऑल्सो टेक एडमिशन इन दैट माय। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए शुरू करते हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर सेशन। आर्ट एंड कल्चर यू नो इज द मोस्ट हॉलिस्टिक पार्ट ऑफ दिस GS प्रिपरेशन। And in this art and culture session, you know, in 2014, if you will see, so there were only 2 questions from modern India, or jo 2014 hai usme art and culture se there were 12 to 14 questions from this art and culture in the prelims examination. Or mains examination mein 30 to 40 questions from this art and culture are usually asked, my dear aspirant. So art and culture has a huge importance, aur jisko hum paid platform pe detailed way mein karate hain. इन्हीं शब्दों के साथ आइए शुरू करते हैं आज का एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर एस्पिरेंट। पहले हम 20 टू 25 सेकंड आपको देते हैं ताकि चीजों को आप हॉलिस्टिकली जो है रीड कर पाएं, और फिर उसका जो है विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट के लिए 5 seconds में आई रीड द क्वेश्चन एंड देन द डिटेल हॉलिस्टिक एनालिसिस माय डियर एस्पिरेंट। सवाल आपके सामने है एंड यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर माय डियर एस्पिरेंट। लॉर्ड बुद्धा इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द UPSC। अमूमन आप देखेंगे तो बुद्धा से रिलेटेड हर साल एक सवाल जो है आर्ट एंड कल्चर से, बुद्धिज्म और जैनिज्म से ऑलमोस्ट पूछे ही पूछे जाते हैं। तो उसी के बैकग्राउंड में ये क्वेश्चन, एंड यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर माय डियर एस्पिरेंट। ये संध्या राज, आर्यन, सिस्ट्री रितेश, मधु, हरजीत, very warm good morning to you all. This is the question in front of you and you have to mark the correct answer. So now let me read the question. Consider the following statement. Chaukhandi Astupa is an ancient Buddhist site in Sarnath built by Ashoka. Option number 1. Option number 2. Octagonal tower attached on the top is a Mughal monument built in 1588 to commemorate Humayun's tomb to this place. Option number 3. Lord Buddha delivered his first sermon after attaining enlightenment in Sarnath called Mahaviniskraman. Which of the above statement is correct? Option 1 is correct. Option 1 and 2 is correct. Option 2 and 3 is correct. All of the above, my dear aspirant. So a stupa, option number 1 is talking about a stupa. So a stupa, you know, is the relics of Buddha.
बुद्धा के अवशिष्ट को रखने के लिए अस्तूपा केम इनटू द प्रोमिनेंस. इज दैट क्लियर टू यू? सो ऑन दैट अस्तूपा, चौखांडी अस्तूपा विच इज इन सारनाथ, सारनाथ इज द प्लेस वेयर बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन. बुद्ध ने जहां पहला उपदेश दिया था उसको, वो जगह सारनाथ है जो कि वाराणसी के पास है. माय डियर एस्पिरेंट, सो द सेकंड ऑप्शन इज आस्किंग, ऑक्टागोनल टावर अटैच्ड ऑन द टॉप इज ए मुगल मॉन्यूमेंट बिल्ट इन 1588 टू कमेमोरेट हुमायूं विजिट टू दिस प्लेस. दिस ऑप्शन इज टोटली करेक्ट. एंड ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट इन द सारनाथ कॉल्ड महाविनिष्क्रमण. So my dear aspirant, all the option written over here is correct, my dear candidate. As I was talking to you about the, relics, so my dear aspirant, so this astupa is the relics of Buddha. इसमें भगवान बुद्ध के अवशिष्ट को रखा गया था, my dear aspirant. Option number 3 is talking about the sermon. So first sermon, माई डियर एस्पिरेंट इज सारनाथ. तो आप सब जानते हैं हियर बुद्धा गेव, बुद्ध ने सबसे पहला अपना प्रवचन दिया था. एंड दैट देयर आर 4 डिफरेंट टर्म्स इन द लाइफ ऑफ बुद्धा. तो पहला जो टर्म है उसको हम कहते हैं बर्थ ऑफ बुद्धा, बुद्धा का जन्म. माई डियर एस्पिरेंट, सो बर्थ ऑफ बुद्धा, इफ यू विल टॉक अबाउट द बर्थ ऑफ बुद्धा, इसको हम लोटस से डिनोट करते हैं, माय डियर एस्पिरेंट. तो बर्थ एंड बुद्धा इज डिनोटेड बाय लोटस. सेकंड इज द टर्म व्हेन बुद्धा लेफ्ट हिज होम, जब बुद्ध घर को अपने त्याग करके और ज्ञान की खोज में निकलते हैं फॉर द सीक ऑफ इनलाइटनमेंट. तो जब बुद्ध घर को छोड़ते हैं एट द एज ऑफ 28 ईयर, माय डियर एस्पिरेंट, सो दैट इज कॉल्ड, यू नो, I will tell you later. So, but that is denoted by horse, my dear candidate. Okay. No, my dear aspirant, let me tell you, there is a trap in this question. Option number 3 is wrong. I am extremely sorry. I didn't read the option number 3 is wrong, because when Buddha left his home at the age of 28, so that process is called Mahabhiniskraman. So Mahabhiniskraman is the stage when Buddha left his home. जब बुद्ध को चार चीजें बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, पहला एक सेज है, आप सब पढ़े होंगे, दूसरा एक डेड बॉडी है, माय डियर एस्पिरेंट, तीसरा एक गरीब है. तो भगवान बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा डिसाइडेड टू, बुद्धा यू नो वॉज ए प्रिंस, सो बुद्धा डिसाइडेड टू लीव हिज होम. और जब बुद्धा घर को छोड़ते हैं, तो यहां मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं, द प्रोसेस व्हेन बुद्धा लेफ्ट हिज होम, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड महाभिनिष्क्रमण, और उसको हम हॉर्स से डिनोट करते हैं. और ऑप्शन नंबर 3 में जो लॉर्ड बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन के बारे में है, तो फर्स्ट सर्मन को हम व्हील से डिनोट करते हैं, माय डियर एस्पिरेंट. और ये जो व्हील है इसको हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन. ओके, इज दैट क्लियर टू यू? धर्म चक्र परिवर्तन, दीज आर द टिपिकल हिंदी वर्ड्स फॉर द साउथ इंडियन कैंडिडेट. सो बुद्धा व्हेन ही गेव हिज फर्स्ट सर्मन, जब वो पहला उपदेश देते हैं, तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, जिसको हम व्हील से डिनोट करते हैं, माय डियर एस्पिरेंट. So this was, this dharm chakra parivartan was denoted from this wheel, my dear aspirant. Birth of Buddha by lotus, Mahabhiniskraman when Buddha left his house by the horse. There are two different also term. One is nirvan. So when Buddha got this bodhi under this bodhi tree, under this peepal tree, then this stage of Buddha was called nirvan stage. बुद्धा को उस समय इनलाइटनमेंट मिलता है, बुद्धा को बोधि प्राप्त होती है, बुद्धा को ज्ञान प्राप्त होता है. द सेम प्रोसेस इन जैनिज्म इज कॉल्ड केवलम. इज दैट क्लियर टू यू? बट इन बुद्धिज्म, एज आई वाज टॉकिंग अबाउट बुद्धिज्म, दैट इज कॉल्ड निर्वाण. सो गया विच इज ए यू नो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सो अंडर दिस बोधि ट्री, अंडर दिस पीपल ट्री,
बुद्धा गॉट दिस निर्वाणा माय डियर एस्पिरेंट। तो इस प्रोसेस को बोलते क्या है हम, निर्वाण बोलते हैं माय डियर एस्पिरेंट। सो दैट प्रोसेस वेयर द बुद्धा गॉट हिज एनलाइटनमेंट इज कॉल्ड निर्वाणा माय डियर एस्पिरेंट, और इसको हम पीपल से डिनोट करते हैं माय डियर एस्पिरेंट। सिंबल हमें पता होना चाहिए, बुद्धा आप सब जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर साल यूपीएससी बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछती है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन डिटेल। द फोर्थ स्टेज दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ बुद्धा इज कॉल्ड महापरिनिर्वाण, दैट इज डेथ ऑफ बुद्धा, जो कि कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर इज एन डिस्ट्रिक्ट वेयर दिस पाल रूलर वॉज देयर इन उत्तर प्रदेश माय डियर एस्पिरेंट। जो ये कुशीनगर है दैट देयर द डेथ ऑफ बुद्धा, और इस डेथ ऑफ बुद्धा को महापरिनिर्वाण हम कहते हैं। सो दिस डेथ ऑफ बुद्धा माय डियर एस्पिरेंट वॉज इज कॉल्ड महापरिनिर्वाण। सो दिस इज डेथ ऑफ बुद्धा, इज दैट क्लियर टू यू? और बुद्धा का जो स्तूप का जो प्रीवियस बर्थ स्टोरीज ऑफ बुद्धा को हम जातका स्टोरी में डिनोट करते हैं माय डियर। तो प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा इज डिनोटेड इन जातका स्टोरी। सो दीज वेर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू बुद्धिज्म। व्हाई आई टॉट ऑल दीज फैक्ट्स यू इन डिटेल, ओनली बिकॉज बुद्धिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी माय डियर। देखिए ये डिटेल यहाँ हमने टेक्स्ट में लिखा हुआ है ताकि आपको कोई डाउट हो, पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए धम्मेख स्तूपा जो है जहां पर धर्म चक्र बुद्धा ने पहला सरमन दिया था, दैट इज इन सारनाथ। सो इट इज ए प्लेस वेयर बुद्धा माय डियर एस्पिरेंट, सो इट इज ए प्लेस माय डियर एस्पिरेंट वेयर लॉर्ड बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन। किस चीज से डिनोट करते हैं, हमने अभी अभी आपको बताया, व्हील से डिनोट करते हैं। मलुगंधा कुती विहार, दो और टर्म आ गए यहां पर, एक थे चैत्या और एक था विहारा। चैत्या माय डियर एस्पिरेंट्स प्रेयर हॉल ऑफ बुद्धा था जहां पर हम वर्शिप करते थे, और विहारा वैसे प्लेस को कहा जाता था जहां पर बुद्धिस्ट आराम करते थे। सो विहारा वॉज द रेस्ट प्लेस माय डियर एस्पिरेंट एंड चैत्या वॉज द प्रेयर हॉल। सो दिस इज ए प्लेस वेयर लॉर्ड बुद्धा लिव्ड व्हेन ही विजिटेड सारनाथ माय डियर एस्पिरेंट। बोधि ट्री, इट इज लोकेटेड इन द मुलागंधा कुती विहार माय डियर एस्पिरेंट, प्लांटेड बाय टेकिंग ए ब्रांच फ्रॉम श्री महाबोधि ट्री ऑफ अनुराधापुरम इन श्रीलंका। यू नो दिस अशोका हु वाज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ हीनयान, तो अशोका के जो सन और डॉटर थे, सन नेम वाज महेंद्र एंड द डॉटर नेम वाज संघमित्रा माय डियर एस्पिरेंट, और इन दोनों को अशोका ने संघमित्रा माय डियर एस्पिरेंट। सो दिस महेंद्र एंड संघमित्रा बोथ वेंट टू द श्रीलंका to seed the plant of this bodhi tree my dear aspirant। तो ये जो है महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका गए थे उस समय में अशोका के जो है आदेश पर, वहां पर इस बोधि ट्री को प्लांट करने के लिए। इज दैट क्लियर टू यू माय डियर एस्पिरेंट? दिस ऑल दीज आर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट आई एम कीप ऑन टेलिंग यू माय डियर एस्पिरेंट। अशोकन पिलर की अगर आप बात करोगे तो अशोका हु वॉज द फॉलोअर ऑफ दिस हीनयान। बुद्धिज्म वर हैविंग थ्री डिफरेंट सेक्ट्स, वन वॉज हीनयान माय डियर एस्पिरेंट। बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल दीज फैक्ट्स माय डियर एस्पिरेंट। सो वन वॉज हीनयान, दैट वॉज द लेसर व्हीकल माय डियर कैंडिडेट, अनदर वॉज महायान माय डियर कैंडिडेट, एंड द थर्ड वन वॉज वज्रयान माय डियर कैंडिडेट। सो हीनयान जो था इसमें जो है देर वॉज नो आइडल वर्शिप माय डियर कैंडिडेट। महायान में हम आइडल वर्शिप मानते थे, यहां पाली जो है लैंग्वेज था माय डियर कैंडिडेट, महायान में संस्कृत लैंग्वेज था माय डियर कैंडिडेट, और ये वज्रयान जो थे थंडरबोल्ट, ये लोग जो है मिस्टिसिज्म में बिलीव करते थे, ये लोग जो है जादू टोना में बिलीव करते थे, एंड दे वेयर द वर्शिप ऑफ द डिवाइन तारा। सो ये लोग जो है तारा देवी के उपासक थे माय डियर कैंडिडेट। सो दीज वेयर द महायान से यूपीएससी ने, महायान जो कि लार्जर व्हीकल है, यूपीएससी ने बोधिसत्वा के बारे में 2017 में क्वेश्चन पूछा था। तो लेट मी टेल यू सम डिटेल फैक्ट अबाउट बोधिसत्वा माय डियर एस्पिरेंट। सो हु वेयर दिस बोधिसत्वा? सो बोधिसत्वा माय डियर कैंडिडेट, बोधिसत्वा वेयर दोज
बुद्धिस्ट जो जिनमें बोधि प्राप्त करने की क्षमता थी, जो एनलाइटेनमेंट को अचीव कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एनलाइटेनमेंट को प्राप्त नहीं किया था. दे हैड द कैपेसिटी बाय देयर मेडिटेशन, बाय देयर कंपैशन, करुणा के साथ साथ, सद्भावना के साथ साथ, मैत्री के साथ साथ, मेडिटेशन के साथ साथ, उन्होंने इनलाइटेनमेंट स्टेज को प्राप्त जरूर कर लिया था, लेकिन वो जो है सालवेशन को अचीव नहीं किए थे. क्यों? क्योंकि वो दूसरे जो फॉलोअर्स थे उनको बोधि प्राप्त करने में मदद कर रहे थे. सो बोधिसत्वा डिड नॉट वॉज नॉट हैविंग दिस सालवेशन, बोधिसत्वा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी. दे वेर हेल्पिंग अदर बुद्धिस्ट मेडिटेटर्स टू अटेन द सालवेशन. इज दैट क्लियर टू माई डियर एस्पिरेंट? Yes, so these were the different और Ashokan pillar की बात हम अभी कर रहे थे, my dear aspirant, which is the emblem of the Ashoka. So Ashokan pillar marked the visit of King Ashoka to Sarnath. और ये जो है emblem of the country, that is 50 meter long and has four lions on the top and four animals, bull है, lion है, elephant है and horse है. ये है अस्तूपा माय डियर कैंडिडेट, अस्तूपा जिसमें रिलिक्स ऑफ बुद्धा को रखा जाता था, बुद्ध के अवशिष्ट को रखा जाता था. इसके डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है माय डियर एस्पिरेंट. तो देखिए माय डियर एस्पिरेंट, ये जो ऊपर तीन ऐसे आपको जो डायग्राम दिख रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, so this is called chatra, my dear aspirant. So this is chatra, this is the enclosure wall, this is medhi. ye jo aise aise ye jo hai, this is called medhi, my dear aspirant. This shape is called anda, you know, this shape is andakar, so we consider it as anda, my dear aspirant. This is toran dwar, my dear aspirant. So this is toran. Is that clear to you, my dear candidate? So this is hermitika, my dear candidate. So this is Harmika. So this was the different diagram about alag alag terms the astupa se related, my dear aspirant. So is that clear to you? Should I proceed for the next question? Chaitya, Ritesh, I said you na, Chaitya and Bihara were the two different terms. Chaitya was the worshipper place, Chaitya jahan par worship kiya jata tha, meditation kiya jata tha, prayer kiya jata tha, aur Vihara jahan par aaram kiya jata tha, Ritesh. Is that clear to you? Is that clear to you, Mini? Is that clear to you, Aryan? My dear aspirant, Neha Singh, good morning. Abhipal, Shastri, did you get the holistic information about Buddhism? Agla question hai aap sabke samne about the Amravati School of Art, and you have to mark the correct answer, my dear aspirant. वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा. So consider the following about Amravati School of Art. Amravati School of Art से related ये question है. So Amravati School of Art flourished in Andhra Pradesh between Krishna and Godavari. Option number one. Option number two. Main patrons of this art form were Satvahanas, but it carried on even later, patronized by their successor Ikshvaku rulers. Option number three. An important characteristic of Amravati school is narrative art and the story of timing of elephant by Buddha, my dear aspirant.
So which of the above option is correct? Option 1 is correct. Option 1 and 3 is correct. Option 2 and 3 is correct. And all of the above. Sure, Abhishek. Sure. Please mark the correct answer. So I didn't receive anyone marking the correct answer anyway. So all the option written over here is correct. There are three different school of arts. One is Gandhar, another is Amaravati, and the third one is Mathura, that we will see in detail. So Amaravati school of art flourished in Andhra Pradesh between Krishna and Godavari. This was the region where this Amaravati, which was patronized by, you know, Satvahanas and later Ikshvakas. So this Amaravati school of art flourished in between this Krishna and Godavari region. And the important characteristic of Amaravati art was it was having the narrative art, my dear aspirant. Sorry. So narrative art and the story of taming of elephant by Buddha. So which of the above statement is correct? So all the option written over here is correct. Now let me tell you the detail about this Mathura, about this Gandhar, and about this Amaravati. So these are the different school of art. So Gandhar, Mathura, which is indigenous, made by red sandstone, and Amaravati, made by white sandstone. So that we will do. Yahan par Indo-Greek ka influence tha Mathura mein. That we will discuss. So if we will talk about this Mathura, so this Mathura school of art, my dear aspirant, this is a way, Abhishek, to communicate with you people. So I will try to, I cannot take the name of each and every one of you. However, I will try to. So I was talking about this Mathura, I was talking about this Gandhar, and I was talking about this Amaravati. तो देखिए तीनों में बेसिक फर्क क्या है और तीनों में जो है किस किस तरह से, तो इसमें जो है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस था किसका, तो इंडो ग्रीक का माय डियर, ग्रीक हेलेनिस्टिक स्कल्पचर, आल्सो नोन एज इंडो ग्रीक स्कल्पचर माय डियर एस्पिरेंट. सो दिस वाज अबाउट द मथुरा. इट वाज डेवलप्ड इंडिजीनियसली एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल कल्चर. सॉरी, दिस वाज नॉट मथुरा, दिस वाज माय डियर कैंडिडेट, दिस इज मथुरा. This is Amaravati and this is Gandhar. Gandhar is northwest region. Now if you will talk about this ingredient used, so early Gandhar school used bluish gray sandstone. So this bluish grey sandstone was used. Mathura mein red sandstone used kiya gaya tha aur Amaravati mein white marbles used kiya gaya. If you will talk about this Mathura, to Mathura mein you know aap aise yaad rakh sakte hain, Mathura is the place of Krishna. Hinduism to hoga hi hoga. Abhi agar aap dekhenge to ye pura vraj ka kshetra hai Mathura jo hai, agar aap dekhenge Mathura Vrindavan. तो इससे आप को रिलेट कर सकते हो कि मथुरा जो होगा वो हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म, तीनों रिलीजन का जो है एमलगमेशन था मथुरा में, माय डियर एस्पिरेंट. और यहाँ पर जो है अमरावती में सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस था इन बिटवीन दिस रिवर कृष्णा एंड रिवर गोदावरी रीजन. और अगर आप
इसकी बात करोगे किसकी, गांधार की, तो ग्रीक रोमन पैथोनियन इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय कुषाण जो है इसके प्रोपाउंडर थे माय डियर कैंडिडेट, और यहाँ भी इसके भी कुषाण थे, और इसके साथ वह अनाज थे किसके, अमरावती के बाद में इक्षुकाज ने भी इसको प्रोपाउंड किया, आगे बढ़ाया। ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कौन सा इस गांधार, तो अभी जो है ये अफगानिस्तान का पार्ट है। डेवलप्ड इन द अराउंड द मथुरा सोंख, दिस कंका तिला वॉज फेमस फॉर जैन स्कल्पचर। तो यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंदुइस्ट भी थे, जैन भी थे, और इस बुद्धिस्ट भी थे। और ये जो अमरावती है, ये कृष्णा गोदावरी रीजन है अराउंड दिस अमरावती एंड दिस नागार्जुन कोंडा माइडर एस्पिरेंट। इसके अलावा जो है बुद्धा इज सोन विथ स्पिरिच। अब देखते हैं हम तीनों में कि अभिज्ञान पांडे, यस आई कैन स्पीक इन हिंदी अभिज्ञान, लेकिन यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम के कैंडिडेट जो है अभी इस सेशन में होते हैं, तो इसलिए साउथ इंडियन कैंडिडेट अगर इफ आई विल स्पीक इन हिंदी तो उनको दिक्कत होगी। सो बुद्धा इज सोन इन विद द स्पिरिचुअल स्टेट। बुद्धा को जो है यहाँ पर एक अमरावती, गांधार और हम मथुरा की बात कर रहे हैं, तो गांधार में जो है कि स्पिरिचुअल स्टेट की बात की गई है बुद्धा की। तो बुद्धा स्पिरिचुअल स्टेट में किस रूप में होते हैं, तो ऑर्नामेंट्स जो होता है बुद्धा का, वो कम ऑर्नामेंट पहनते हैं वो, और एक योगी के पोस्चर में होते हैं। आप सब जानते हैं बुद्ध जो है बहुत लंबे समय तक मेडिटेशन किए थे, और आपको मैं बता दूं बुद्धा को जो जिस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस मार्ग पर चलकर, अभिषेक इज आस्किंग फॉर हिंदी, तो आपको मैं अभिषेक बता दूं कि बुद्धा को जिस मार्ग पर चलकर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस मार्ग को विपस्सना कहते हैं। विपस्सना इज द टेक्निक फॉलोड बाय लॉर्ड बुद्धा फॉर सीकिंग एनलाइटनमेंट विच इज कॉल्ड निर्वाण इन बुद्धिस्ट टर्म माय डियर कैंडिडेट। तो योगी के पोस्चर में थे कहां पर माय डियर मेरे प्यारे बहनों एवं भाइयों, तो बुद्धा जो है योगी के पोस्चर में थे इन गांधार रीजन। तो आई जो है हाफ क्लोज्ड एंड मेडिटेशन, तो आंखें जो है हाफ क्लोज्ड थी, और परट्यूबरेंस ऑन द सोन ऑन द फेस ऑफ द बुद्धा, और ये जो फेस है इस पे कहीं ना कहीं जो है एक परट्यूबरेंस था, एक ग्रेस था माय डियर कैंडिडेट। और बुद्धा यहाँ जो है कहाँ पर, दिस मथुरा में, तो डिलाइटेड मूड में थे बुद्धा, इंचैंटिंग बुद्धा, स्माइलिंग फेस था बुद्धा का। द बॉडी सिम्बोलाइजेज मैस्कुलिनिटी वेयरिंग टाइट ड्रेस, फेस एंड हेड शेवन, पूरा क्लीन शेव थे बुद्धा। और बुद्धा जो है पद्मासन के पोस्चर में थे विद द हैंड इन डिफरेंट पोस्चर। और अगर आप अमरावती की बात करोगे, पोस्चर की बात करोगे कि बुद्धा किस पोस्चर में थे, तो दिस पोस्चर ऑफ बुद्धा, सो द स्कल्पचर्स आर जनरली पार्ट ऑफ नैरेटिव आर्ट, दे आर लेस इंफेसिस ऑन द इंडिविजुअल फीचर्स ऑफ बुद्धा। सो द स्कल्पचर्स डिपिक्ट ऑफ द बुद्धिस्ट ऑफ द जातका स्टोरी, तो यहाँ पर जो है जातका स्टोरी बुद्धा के प्रीवियस बर्थ को दिखाया गया है, कहाँ पर, अमरावती में माय डियर एस्पिरेंट। तो ये था डिफरेंट डिफरेंट जो है बुद्धा के बारे में, जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, चाहे वो अमरावती हो, चाहे वो गांधार हो, चाहे वो मथुरा हो, उसमें किस तरह के मार्वल का इस्तेमाल किया गया, किस तरह के हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया गया, एक्सटर्नल इंटरनल इन्फ्लुएंस क्या क्या था, और बुद्धा किस पोस्चर में थे, बुद्धा का अपीयरेंस कैसे दिखता था, डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स माय डियर एस्पिरेंट अबाउट बुद्धिज्म। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू अबाउट रंजीत सिंह। रंजीत सिंह अभी न्यूज में है, और रंजीत सिंह से रिलेटेड इसीलिए मैंने क्वेश्चन ये फ्रेम किया है, और रंजीत सिंह के बारे में ये क्वेश्चन है। यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर। स्वरूप नो प्रॉब्लम, ऑन व्हाट्सएप माई नंबर इज गिवन, यू व्हाट्सएप मी, आई विल टेल यू हाउ टू फॉलो द स्ट्रेटजी।
वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा माय डियर एस्पिरेंट। अभिषेक क्या क्लियर हो रहा है? इज इट क्लियर टू यू अभिषेक सिंह? नितेश, अंजलि, तिलक, पूर्णिमा, आर्यन, मणि, अभिषेक इज मार्किंग ए। नाउ लेट मी रीड द क्वेश्चन। सो कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट रंजीत सिंह। रंजीत सिंह बिलोंग टू सुकर चकिया मिसल, ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर टू, ही वॉज ऑर्थोडॉक्स हिंदू एंड हेंस हिज आर्मी कंप्राइज्ड ऑफ ओनली हिंदू। ऑप्शन नंबर थ्री, रंजीत सिंह ट्रांस रीजनल एम्पायर स्प्रेड ओवर सेवरल स्टेट्स इंक्लूडेड द फॉर्मर मुगल प्रोविंस ऑफ लाहौर एंड मुल्तान बिसाइड्स पार्ट ऑफ काबुल एंड इंटायर पेशावर। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन वन इज करेक्ट, ऑप्शन वन टू एंड थ्री इज करेक्ट, ऑप्शन वन फोर फाइव इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। सो रंजीत सिंह बिलोंग टू सुकर चकिया मिसल, यस ही वॉज, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ही वॉज द सन ऑफ महान सिंह और अलग अलग कॉन्फिडरेसी, मिसल इज कॉन्फिडरेसी, यू कैन रिकॉल इन दिस वे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स हिंदू एंड हिज आर्मी कंप्राइज ऑफ ओनली हिंदू, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। रंजीत सिंह ट्रांस रीजनल एम्पायर स्प्रेड ओवर सेवरल स्टेट्स इंक्लूडेड फॉर्मर मुगल of Lahore, Multan, besides parts of Kabul and entire Peshawar. So 1 and 3 is correct for this question since there is no option written over here, 1 and 3. So let me frame the option, 1 and 3 is correct for this question. Now let me tell you some detailed analysis about Mr. Ranjit Singh. Ye aapke samne Ranjit Singh hai. Picture ko dekhne se, audio visual medium se, cheeje lambe samay tak yaad rehti hain. So रंजीत सिंह ओवर थ्रू द वायरिंग मिसल्स जो चल रहा था, कॉन्फेडरेसी का जो ट्रेंड चल रहा था उसको रंजीत सिंह ने ओवर थ्रू किया। एंड रंजीत सिंह माय डियर कैंडिडेट यूनिफाइड सिख एम्पायर, सो ही यूनिफाइड सिख एम्पायर आफ्टर कंकर्ड लाहौर इन 1799। तो इसने यूनिफाइड सिख एम्पायर की नींव रखी। इनको लॉयन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, लॉयन ऑफ पंजाब, शेरे पंजाब भी कहा जाता है। आर्मी जो है इनकी बहुत मॉडर्न आर्मी थी माय डियर कैंडिडेट। और जो फ्रेंच जर्नल जीन फ्रैंक्विस अलार्ड वाज देयर इन हिज आर्मी टू मॉडर्नाइज हिज आर्मी। पंजाब एट दैट टाइम, यू नो, लैंड ऑफ सिक्स रिवर एट दैट टाइम। इंदस वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पंजाब। इंदस यू ऑल नो दैट ओरिजिनेट्स इन इंडिया, that originates and then it travels through this Jammu Kashmir region and finally comes in this Pakistan region. So yahan par Mansarovar ke aas paas north se jo hai Kailash mountain ke north se jo hai Indus nikalti hai aur this Indus ki tributary hai Jhelum, Chenab, Rabi, Bias, Satluj, iski tributary hai Shyok, iski tributary hai Nubra, iski tributary hai Hunja. So river bahut important hai UPSC ke liye. इंदस वाटर ट्रीटी 1960 का आप सब जानते होंगे। यूपीएससी रिवर से बहुत क्वेश्चन पूछती है, इसीलिए मैं रिवर को आपको फिर से अभी एक बार रिवाइज करा रहा हूं। तो इंदस रिवर को जरूर देखें और इंदस में नॉर्थर्न रिवर का क्या कंसेप्ट है इंदस वाटर ट्रीटी में, साउदर्न रिवर का क्या कॉन्सेप्ट है इंदस वाटर ट्रीटी में। सतलज जो है, कल मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको वो कराया था, सतलज, इंदस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सतलज जो है सबसे नीचे की रिवर है, ये रकस्ताल लेक के आसपास से निकलती है। और जो है शिप किला जो है वो यू नो इज अ पास दैट इज द गेटवे टू सतलज इन इंडिया। और फिर जो है जो दिस ब्यास है वो मिलती है दिस हरिके के पास सतलज से। एनीवे, तो व्हाट, हाउ, व्हाई आई एम डीलिंग ऑल दिस फैक्ट, कि चीजों को जब तक आप कोरिलेट करके नहीं पढ़ोगे चीजें लॉन्ग रन में नहीं याद रहेगी। तो जो भी चीजें आए आप एटलस को हमेशा साथ में रखें, एटलस को बार बार फ्लिप करते रहें, स्टेट्स को देखते रहें, रिवर्स को देखते रहें, हेरिटेज साइट को देखते रहें,
कौन कौन सा बॉर्डर बनाती है वो देखते रहें, हेरिटेज साइट कौन कौन सा है देखते रहें, उस वहाँ पे आसपास में इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स कौन कौन से हैं, उस टेम्पल के आर्किटेक्चर कौन कौन से हैं। तो टाइम थोड़ा लग सकता है बट आपका पूरा हॉलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगा और चीज़ें लॉन्ग रन में आपको याद रहेंगी। मैं बात कर रहा था रंजीत सिंह की, पंजाब की, और मैं आपको बता रहा था कि रंजीत सिंह को शेरे पंजाब कहा जाता था। और रंजीत सिंह, जैसा कि ऑप्शन में लिखा हुआ था जिसको आई सेड कि दिस ऑप्शन वॉज रॉन्ग, तो रंजीत सिंह जो है ही वॉज नॉट एन ऑर्थोडॉक्स हिंदू, ही वॉज ए सेकुलर, वेरी सेकुलर पर्सन, एंड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम वेयर देयर इन हिज यू नो दरबार माई डियर कैंडिडेट। और हरमिंदर साहिब एट अमृतसर, जिसको बाद में गोल्डन टेम्पल, क्योंकि इतना सारा इसमें गोल्ड इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो ये था रंजीत सिंह के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि दैट विल हेल्पफुल टू यू। ट्रीटी ऑफ अमृतसर आप सब जानते हैं, 1809 में लॉर्ड मिंटो वॉज द वॉयसराय, और 1909 में कौन था, इट वॉज अगेन मिंटो, सो इट वॉज मिंटो वन एंड इन 19, दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन। तो 1809 में गवर्नर जनरल कौन था, 1809 में गवर्नर जनरल वॉज मिंटो, और 1909 में मिंटो, कैन यू एबल टू रिकॉल मॉडल मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909? मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है, क्यों, यू ऑल नो एट दैट टाइम मॉडले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड मिंटो वॉज द वॉयसराय। इट रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद से जो है गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके वॉयसराय कर दिया गया था। और 1909 में क्योंकि सेपरेट अवार्ड फॉर दिस मुस्लिम वॉर रिजर्व, यू ऑल नो, सो दिस आगा खान, द पार्टीशन ऑफ दिस बंगाल 1905, लॉर्ड कर्जन, और उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है स्वदेशी के बाद, और आगा खान ढाका और डक्का जो है, ढाका प्रोविंस वॉज डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ दिस बांग्लादेश। इज दैट क्लियर टू यू? तो चीजों को कोरिलेट करके पढ़ते चलना है, चीजें लॉन्ग रन में याद रहेगी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर हम 1809 की बात कर रहे हैं, तो ये जो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर माय डियर कैंडिडेट, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज साइंड बिटवीन रंजीत सिंह एंड ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी, एट दैट टाइम गवर्नर वॉज दिस लॉर्ड मिंटो इन 1809, विच स्टिपुलेटेड दैट परपेचुअल फ्रेंडशिप सबसिस्ट दिस बिटवीन दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड दिस स्टेट ऑफ लाहौर। और सतलज जो है ईस्टर्न बाउंड्री और इसके टेरिटरी को डिक्लेयर किया गया, कर दिया गया था। और यही जो ट्रीटी है ये कहीं ना कहीं शैटर कर दिया रंजीत सिंह के जो एस्पिरेशन है, उनके जो ड्रीम है, उनका जो एक्सपेंसनेस पॉलिसी था माय डियर कैंडिडेट। सो इज दैट क्लियर टू यू? सो दिस वॉज द हॉलिस्टिक एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस रंजीत सिंह। अगला क्वेश्चन आपके सामने ईश्वर चंद्र विद्यासागर से है। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट को आपको कैसे पढ़ना है, पहले इस क्वेश्चन को, पहले फर्स्ट यू रीड दिस क्वेश्चन, यू मार्क द करेक्ट आंसर, देन आई विल डिस्कस हाउ यू हैव टू रीड दिस सोशियो रिलीजियस चैप्टर, दिस राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, दिस विवेकानंदा, दिस रामकृष्ण परमहंस। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे उसको तैयार करना है। You are wrong, J.B. Tilak, you are wrong. Gandhi came in India in 1915. The Morley, you are telling about that he made a meeting with Gandhi. No. Gandhi came in India in 1915 on which we commemorate this Pravasi Bhartiya Divas. South Africa se Gandhi India aaye hain 1915 mein. और मॉडले मिंटो का पीरियड है 1909 के आसपास। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है 1932 में इन विच गांधी अटेंडेड। सो व्हाट यू आर राइटिंग, यू आर रॉन्ग, दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू और आप सबको इस क्वेश्चन को आंसर करना है माय डियर कैंडिडेट।
Welcome, Parvati. So let me read the question. Consider the following point about Ishwar Chandra Vidyasagar. His Bengali primer Borno Parichay remains more than 125 years after his death in 1899. Introduction of the alphabet to nearly all Bengali children. Option number one. Option number two. As a secretary of Bethune School, he was one of the pioneers of higher education for women in India. Option number three. Vidyasagar strongly believed that everyone, irrespective of caste or gender, had right to education. Which of the above statement is correct? Option 1 is correct. Option 1, 2, 3 is correct. Option 1 and 3 is correct. None of the above. You have to mark the correct answer. So, my dear candidate, all the option written over here is correct. Ishwar Chandra Vidyasagar, Vidya and Sagar. So he was the ocean of knowledge, Ishwar Chandra Vidyasagar. Michael Madhusudan gave him the title of this ocean of knowledge. He was having a large of compassion. So his Bengali primer Borno Parichay बहुत famous है बंगाल में. तो इन्होंने जो एक primer device किया था उस समय में, so that became the introduction to alphabet for nearly all the Bengali children. और ये जो जी डी बेथून ने जो एक स्कूल खोला था 1849 में, उसके ये सेक्रेटरी थे कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ दिस गर्ल्स एजुकेशन. सो द फर्स्ट फ्रूट ऑफ दिस गर्ल्स एजुकेशन, वेमेन एजुकेशन, द जी डी बेथून वॉज इट्स प्रेसिडेंट एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज इट्स सेक्रेटरी. सो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट फॉर द हायर एजुकेशन फॉर वेमेन इन इंडिया. और विद्यासागर स्ट्रॉन्गली बिलीव दैट एवरीवन इज इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और जेंडर हैड द राइट टू एजुकेशन. सो ऑल द ऑप्शन रिटन ओवर हियर इज करेक्ट. ये आपके सामने ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं और आपको इस क्वेश्चन को, ये इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है. सो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में को ज्वाइन किया इन्होंने एट द एज ऑफ 21 एंड हेड ऑफ द संस्कृत डिपार्टमेंट. So Michael Madhusudan is understood to have given him the epithet Dayasagar, the ocean of generosity, जो अभी मैं आपको बता रहा था. विद्यासागर strongly believed that everyone, irrespective of caste, gender, has right to education, and he was credited with restructuring the Bengali alphabet, Bengali primer. It was a result of undergoing a struggle that then the government of India passed the Widow Remarriage Act 1856. This ICV is Ishwar Chandra Vidyasagar. So it was a result of his undergoing a struggle that then government of India passed Widow Remarriage Act in 1856. He fought for women education and vigorously challenged the barbaric practice of child marriage. He also sought for a determined battle against and then prevailing social custom of Kulin Brahman polygamy, campaigned for women remarriage. Tattva Bodhini Patrika ke liye bhi ye contribute karte the. Yahan fir se ek additional fact, dekhiye jo cheeze likhi hui hai usse uske additional koi agar point hoga to uske bare mein main aapko additional point zarur batata hu. To Tattva Bodhini Patrika jo hai, ये देवेंद्रनाथ टैगोर का है, फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर का. सो देवेंद्रनाथ टैगोर ऑल्सो ऑर्गेनाइज ए सभा कॉल्ड तत्व बोधिनी सभा और तत्व बोधिनी पत्रिका. ये जो है, ये जो
दिस राजा राम मोहन रॉय का जो था ब्रह्म समाज, जो पहले ब्रह्म सभा था बाद में ब्रह्म समाज बना, उसको देवेंद्रनाथ टैगोर आगे लेकर के आए। सो ट्रिपल आर राजा राम मोहन रॉय का जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज, इसको जो है देवेंद्रनाथ टैगोर, फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, इसको लेकर के आगे आए। लेकिन ये ब्रह्म समाज जो है, इसमें फिर बाद में विगर और एलिक्वेंस तब आया जब इसके आचार्य केशव चंद्र सेन को बनाया गया। लेकिन केशव चंद्र सेन वॉज वेरी रेडिकल पर्सन एंड ही वॉज हैविंग सम कॉस्मोपोलिटियन आइडिया। तो ये जो केशव चंद्र सेन थे, जब इनको ब्रह्म सभा का प्रेसिडेंट बनाया गया, आचार्य बनाया गया, तो ये बहुत सारे कॉस्मोपोलिटन कल्चर को इसमें लाने लगे। और बाद में ब्रह्म सभा जो है टूट गया, और ब्रह्म सभा टूट करके ब्रह्म समाज टूट गया, और ब्रह्म समाज जो है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना, जिसको केशव चंद्र सेन लेके आगे बढ़े। और जो देवेंद्रनाथ टैगोर का जो ब्रह्म सभा था, उसका नाम आदि ब्रह्म सभा, आदि ब्रह्म समाज के नाम से हुआ। तो ब्रह्म समाज बाद में केशव चंद्र सेन के आचार्य बनाए जाने के बाद, व्हेन केशव चंद्र सेन वाज मेड आचार्य बाय दिस देवेंद्रनाथ टैगोर, तो किस ये जो है ब्रह्म सभा जो है दैट बिकेम ए स्प्लिट। और इस ये स्प्लिट के बाद जो है, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, ये टूट गया और जो है एक आदि ब्रह्म समाज बना, जिस आदि ब्रह्म समाज को देवेंद्रनाथ टैगोर ने रन कराया, और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना जिसको केशव चंद्र सेन ने बनाया। और फिर ये ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया भी डिवाइड हो गया, क्योंकि केशव चंद्र सेन ने अपने 14 ईयर अपने यंग डॉटर की शादी कूच बरार के यंग प्रिंस के साथ कर दी थी। और दिस अगेन बिकेम ए रीजन फॉर दिस डिविजन इन दिस ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। तो इतना होलिस्टिक इंफॉर्मेशन मैंने इस क्वेश्चन से आपको बता दिया, माय डियर कैंडिडेट। तो तत्व बोधनी पत्रिका किसका था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर का। अगला क्वेश्चन वीडी सावरकर के बारे में है, और आपको इस क्वेश्चन को करेक्टली आंसर करना है, मेरे प्यारे बहनों एवं भाइयों। So the question now, consider the following about V.D. Savarkar. He established an organization named Mitra Mela, later named as Abhinav Bharat, which influenced the members to fight for absolute political independence of India. Option number one. Option number two, he said revolt of 1857 has neither first war nor independence. Option number three, he founded the Ratnagiri Hindu Sabha to preserve ancient Indian culture and worked in the direction of social welfare. So which of the above statement is correct? Option 1 is correct. Option 1, 2 and 3 is correct. Option 1 and 3 is correct. None of the above. So V.D. Savarkar ke baare mein ye question hai aur aapko isko correctly answer karna hai. So all the option written over here is correct. So V.D. Savarkar ne ek important organization ko establish kiya tha, jiska naam tha Mitra Mela. And later renamed as Abhinav Bharat, and influenced to fight for the absolute political independence of India. He said revolt of 1857, neither first war nor independence. Nahi, ye to galat hai. V.D. Savarkar said revolt of 1857 as the first war of independence. Nor the first war nor the independence, this was said by R.C. Majumdar. Not by the V.D. Savarkar.
and he founded Ratnagiri Hindu Sabha to preserve ancient Indian culture and worked in the direction of social welfare. So 1 and 3 is correct. So C is the correct answer for this question. So those candidates who have marked the answer C is correct. ये रहे आपके सामने वी डी सावरकर, और वी डी सावरकर से आपको इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क करना है. सो दिस दामोदर सावरकर 1833 टू 1966 वॉज ए वेरी एक योद्धा थे, एक वॉरियर थे. सो इन पुणे सावरकर फाउंडेड दिस अभिनव भारत सोसाइटी, इन्वॉल्व इन दिस स्वदेशी मूवमेंट एंड दिस तिलक स्वराज पार्टी. ही ऑल्सो फाउंडेड दिस फ्री इंडिया सोसाइटी. He was the president of Hindu Mahasabha 1937 to 1943. 1937 to 1943, let me tell you some additional fact. 1937 to 1943, this was the term in between when Subhash Chandra Bose presided the session. So 1938 and 1939, देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और चीजों को जब तक आप कोरिलेट करके नहीं पढ़ेंगे चीजें लॉन्ग रन में आपको याद नहीं रहेंगी. और मॉडर्न इंडिया के जो इंडियन नेशनल सेशन के कांग्रेस है उससे बहुत क्वेश्चन आता है. तो 1938 में उस समय सुभाष चंद्र बोस जो है हरिपुरा सेशन जो है उसको प्रिजाइड किए थे. हरिपुरा इज इन गुजरात. और 1939 में जो सेशन हुआ था वो त्रिपुरी में हुआ था, और त्रिपुरी इज इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश. इज दैट क्लियर टू यू? तो हालांकि 1939 के जो का जो सेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस के अपोनेंट पट्टाभी सीतारमैया थे, द कैंडिडेट चेयर बाय मिस्टर गांधी, और बाद में जो है सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, बट सुभाष चंद्र बोस हैड टू रिजाइन और राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया था. और गांधी सेड की द डिफीट ऑफ पट्टाभी सीतारमैया इज माय डिफीट. 1936 में जो पहला सेशन हुआ था दैट सेशन वाज इन फैजपुर, एंड दैट सेशन वाज प्रेसाइडेड बाय मिस्टर नेहरू, एंड द सेशन वाज फर्स्ट टाइम इन द विलेज. और ये जो सेशन हुआ था ये नेहरू के द्वारा प्रेसाइड किया गया था, और ये इसमें जो है ऑल इंडिया किसान सभा जिसके फाउंडर थे स्वामी सहजानंद सरस्वती वॉज इंडोर्स्ड. तो ये थ्री डिफरेंट इंपॉर्टेंट सेशन थे जिसको मैंने आपको होलिस्टिकली करा दिया. वापस आते हैं सावरकर पे. सावरकर के बारे में हम बात कर रहे थे. हिंदू सभा है, हिंदू नाम महासभा 1937 टू 1943 के बीच में हिंदू महासभा को प्रेजाइड किए हैं सावरकर. बीजेपी गवर्नमेंट है और हिंदुइज्म इज मच डिबेटेड. सावरकर एक आर्डेंट फॉलोअर थे हिंदुइज्म के, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो रत्नागिरी जेल में सावरकर ने हिंदुत्व हु इज हिंदू बुक को लिखा था, और 2002 में जो पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट है अंडमान निकोबार का उसको नाम चेंज करके वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया. तो ये था वी डी सावरकर के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर. इज दैट क्लियर टू यू? अगला क्वेश्चन पैका रिवेलियन के बारे में है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पैका रिवेलियन. Can anyone check his birth and death, because it is very factual data. So about the birth and death of this V.D. Savarkar. Can anyone check from the Google and tell me in the chat box about his birth and death, when he was born and when he died. Meanwhile, the next question is in front of you about this Paka Rebellion. तो पैका रिवेलियन के बारे में ये क्वेश्चन है. सो इट वाज एन आर्म्ड रिवेलियन दैट टुक प्लेस इन उड़ीसा अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर वन. ऑप्शन नंबर टू, पैका वेयर ट्रेडिशनल लैंड एंड मिलिशिया ऑफ गजापति रूलर ऑफ उड़ीसा. पैका ओन्ड रेंट फ्री लैंड दैट हैड बीन गिवन देम विद द मिलिट्री सर्विस टू किंगडम ऑफ खुर्दा. एंड ऑप्शन नंबर फोर, पैका अंडर बक्स जगबंधु द हेरिडिटरी चीफ ऑफ मिलिटिया आर्मी ऑफ द जगपति किंग रोज इन द रिवेलियन टेकिंग सपोर्ट ऑफ tribals and other section of society. Which of the above statement is correct? So all the option written over here is correct, my dear candidate, about this Paka rebellion. So do teen key points dhyan mein rakhne hain. Paka pehla to Odisha ka hai,
ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया गजापति रूलर ऑफ उड़ीसा, तो एक पैकेज जो है रेंट फ्री लैंड ओन्ड बाय रेंट फ्री लैंड एंड हैज बीन गिवन देम द मिलिट्री सर्विस टू द किंगडम ऑफ खुर्दा, और इसके जो प्रोपाउंडर थे वो कौन थे, जगबंधु थे। अगला क्वेश्चन जालियांवाला बाग मैसाकरे के बारे में है। आप सब जानते हैं जालियांवाला बाग 1919 और अभी जो है 2020 वी आर, सो 100 इयर्स वी हैव कंप्लीटेड ऑफ दिस जालियांवाला बाग, दैट्स व्हाट आई हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस क्वेश्चन। फटाफट आंसर करिए, बहुत इन्फॉर्मेशन है मॉडर्न इंडिया आर्ट एंड कल्चर से, यही प्रॉब्लम है कि जब मैं कराने लगता हूं तो चीजों को इतना डिटेल में कोरिलेट करने लगता हूं और समय मेरे पास सिर्फ एक घंटा होता है। फटाफट आंसर करिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। यस निर्मला, अभिषेक, शुभम कुमार, अभी वन मोर क्वेश्चन इज लेफ्ट, प्लीज मार्क द करेक्ट आंसर सो दैट आई कैन, लेट मी रीड द क्वेश्चन, टाइम इज वेरी लेस लेफ्ट, रिविजन भी कराना है, एक घंटा हो चुका है। तो कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट दिस जालियांवाला बाग मैसाकरे, महात्मा गांधी वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ वायलेंस एंड विथड्रू दिस रॉलेट सत्याग्रह ऑन 18th अप्रैल 1919, रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट एंड रेफर टू एज दिस ऑर्डर इंक्वायरी कमिटी, इट वॉज लेटर मोर वाइडली नोन एज हंटर कमीशन। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन वन इज करेक्ट, वन टू एंड थ्री इज करेक्ट, वन एंड थ्री इज करेक्ट, नन ऑफ द अबव। तो जालियांवाला बाग मैसाकरे के बारे में आप क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं 1919 अप्रैल में जालियांवाला बाग मैसाकरे हुआ था। तो महात्मा गांधी ने जो है अपना नाइटहुड का, अपना जो केसरे ये हिंद का है वो उपाधि त्याग दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर जालियांवाला बाग मैसाकरे से ठीक पहले जो है दिस राइट ऑफ हिबियस कॉर्पस ड्यू टू दिस देयर वाज एन इम्पॉर्टेंट एक्ट दैट केम इनटू फोर्स कॉल्ड रॉलेट एक्ट। दिस रॉलेट एक्ट माय डियर कैंडिडेट बिफोर दिस जालियांवाला बाग मैसाकरे रॉलेट एक्ट, दिस वॉज प्रोपाउंडेड बाई सिडनी रॉलेट, और इस रॉलेट एक्ट में ठीक जालियांवाला बाग से पहले जो राइट ऑफ हिबियस कॉर्पस है उसको स्नैच अवे कर लिया गया था। यू ऑल नो वॉट इज दिस हिबियस कॉर्पस, हिबियस कॉर्पस होता है एक तरह का रिट है, किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अभी, और 226 ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। तो क्या है डिफरेंट रिट्स 32 के आर्टिकल के तहत, तो एक हिबियस कॉर्पस है, दूसरा मैंडामस है, तीसरा सर्शुअरी है, चौथा को वारेंटो है, और पांचवा प्रोहिबिशन है। तो अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो एनी वन कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। हाउएवर द हाई कोर्ट अंडर द आर्टिकल 226 अदर राइट्स अदर देन द फंडामेंटल राइट्स आर इफ दे आर वॉयलेटेड देन ओनली देन ऑल्सो एन एग्रेव्ड कैन विजिट टू द हाई कोर्ट। तो जो हाई कोर्ट का जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है माय डियर कैंडिडेट अंडर दिस आर्टिकल 226, दैट आई गेव यू द एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी। चीजों को कोरिलेट करते चलना है। तो मैं आपको बता रहा था जालियांवाला बाग के पहले जो हिबियस कॉर्पस है उसको स्नैच कर अवे कर लिया गया था फंडामेंटल राइट को रॉलेट एक्ट के तहत, और रविंद्रनाथ टैगोर जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, और एक हंटर कमीशन को जो है दैट हंटर कमीशन प्रूव्ड टू बी एन आई वॉश ओनली, तो ये जो हंटर कमीशन है उसको नियुक्त किया गया था जिससे कोई भी आउटकम नहीं निकल पाया। कैन यू टेल मी दिस सैडलर कमीशन, हंटर कमीशन और सैडलर कमीशन, दोनों कमीशन यूपीएससी का कमीशन बहुत फेवरेट टॉपिक है और कमीशन यूपीएससी बार बार पूछती है। तो कैन यू एबल टू रिकॉल दिस हंटर एंड सैडलर कमीशन वॉज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कमीशन रिलेटेड टू एजुकेशन। तो हंटर और सैडलर कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड था। सो दिस हंटर एंड सैडलर, दिस हारकॉट, दिस बटलर, ये सब एजुकेशन से रिलेटेड, इज दैट क्लियर टू यू? तो एक तो दिस वॉज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस जालियांवाला बाग मैसाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू मार्क द सत्यपाल, मैं अभी बैकग्राउंडर नहीं बता पाऊंगा, सत्यपाल किचलू जो है के अरेस्ट के खिलाफ जो है दिस जालियांवाला वो जो ग्राउंड था बैसाखी डे पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभी ये बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू अबाउट दिस आजाद हिंद फौज एंड यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर माय डियर एस्पिरेंट, और आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। तो
So consider the following statement about this Azad Hind Fauj. So Subhash Chandra Bose on October 21st, 1943 established a provisional Azad Hind Fauj government in Singapore. This option is totally correct. The idea of INA was first conceived in Malaya by the Subhash Chandra Bose. No, he was Captain Mohan Singh. So second option is wrong. Third option is Indian National Army was founded by the prisoners of war of British Indian Army captured by Japanese in Singapore, Malaysia and the country of Southeast Asia during the World War II. The INA was also at the forefront of the women equality and the formation of the women's regiment of Rani of Jhansi regiment headed by Captain Lakshmi Sehgal was formed. So this option is also correct. So second option is wrong. 1, 2 and 3 is correct. So B is the correct answer about this question. आज का समय बहुत निकल चुका है. डू यू ऑल वॉन्ट द रिविजन सेशन? क्योंकि मैंने आज सेशन को बहुत होलिस्टिकली कराया है, तो क्या फिर भी आप रिविजन सेशन चाहते हैं क्या? समय मेरे पास नहीं है, बट इफ यू वॉन्ट रिविजन सेशन, यस मेरे प्यारे बहनों एवं भाइयों, मुझे उम्मीद ही नहीं रिविजन आज मैं नहीं करा पाऊंगा. टाइम इज ओवर, मैं क्षमा चाहता हूं. मुझे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा. मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये जो 1 आवर का एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेशन था विद एडिशनल बैकग्राउंड और विद द कंप्लीट होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक आप सबके लिए जरूर इंस्ट्रूमेंटल रहा होगा, आप सबके लिए जरूर फ्रूटफुल रहा होगा. आज के लिए इतना ही. मे यू ऑल बी हैप्पी, मे यू ऑल बी पीसफुल. आप सबका मंगल हो. थैंक यू सो मच.